नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ITR 4 के ऊपर, मगर ITR 4 की यूटिलिटी दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें कि ITR 4 में जो डेटा भरा जाना है उसको कैसे रेडी करना है, डेटा कहां से एक्सट्रैक्ट करना है। तो आज हम बात करेंगे ITR 4 की। ITR 4 सबसे पहले किसके लिए भरा जाना है? ITR 4 भरा जाना है स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो कि ऑडिट नहीं कराना चाहते और जो कि चाहते हैं 8% पर फाइलिंग कर देना। तो ITR 4 ऐसे लोगों पर लगेगा जो कि स्मॉल बिजनेस है, जो ऑडिट के दायरे में नहीं आते, जिनका टर्नओवर ऑडिट के दायरे से कम है और जो चाहते हैं कि हम 8% पर अपनी ITR फाइलिंग कर दें, ऐसे लोगों को ITR 4 भरना है। अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज कमाते हैं तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, इस बात को जान लीजिएगा। आपको कंपलसरी है ITR 3 भरना। कमीशन और ब्रोकरेज वालों को ITR 3 भरना कंपलसरी है। तो पहली बात तो ये होगी कि किसे भरना है। अब हम देखेंगे अगला कि डेटा कैसे हमें रेडी करना है। डेटा आपको डेटा के लिए चाहिए सबसे पहली चीज टर्नओवर। टर्नओवर आपको कहां से मिलेगा? आपको मिलेगा टर्नओवर आपकी GST की रिटर्न से। आपको टर्नओवर मिलेगा बैंक स्टेटमेंट से और ये दोनों ही टर्नओवर जो ये वाले हैं, ये दोनों टर्नओवर आपको टैली कराना है बुक्स के साथ। GST रिटर्न्स हो जाएंगे आपके, बैंक स्टेटमेंट्स आपके हो जाएंगे और आपको इन दोनों को बुक्स के साथ टैली करना है। अगर आपने बुक्स बनाई है तो, अगर आपने बुक्स नहीं बनाई है तो आपको इन्हीं दोनों को लेकर के चलना है। आपको GST रिटर्न्स में क्या लेके चलना है? टर्नओवर रिलेटिंग टू ईच GST नंबर। आपके पास अगर 2 GST नंबर है या 3 GST नंबर है तो आपको हर GST नंबर का अलग से टर्नओवर लिख के चलना है और उसको फिर समराइज कर लेना है। मसलन नंबर 1, नंबर 2, इसका टर्नओवर आप मान लीजिए कि ये 10 लाख रुपीज़ है। आपका GST नंबर सेकेंड जो है उसका टर्नओवर 15 लाख रुपए है। तो आपने यहाँ टोटल लगाना है, ये आपका टर्नओवर अब हो गया 25 लाख रुपया। अब ये जो टर्नओवर है ये आपके ITR 4 के अंदर जाएगा और ये जो दोनों GST हैं इसका GST वाइज डिस्क्लोजर देना है आपको। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि अपना आप जिस तरीके से GST नंबर आपके हैं उसका आप अलग से टर्नओवर नोट करते चलें। तीसरा आ जाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट्स। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट्स हो रहे हैं वो आपके टर्नओवर से कम हैं या ज़्यादा हैं। आपका जो बैंक, जो आपका GST का टर्नओवर है, क्या वो क्रेडिट से ज़्यादा है या कम है, मतलब कि बैंक के अंदर पैसा ज़्यादा जमा हुआ है या कम जमा हुआ है। आपको ये देखना है कि कम जमा हुआ या ज़्यादा जमा हुआ। कम है तो चलिए कोई बात नहीं, ओके है, और अगर ज़्यादा जमा हो गया बैंक में पैसा, टर्नओवर कम आपने दिखाया, तो वाई ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, ये आपके लिए एक नुकसानदायक चीज़ हो सकती है। ये पहली बात। दूसरा आपको देखना है कि जो आपके बैंक में क्रेडिट्स गए हुए हैं उनका आपको दो तरीके से ब्रेकअप करना है। कैश क्रेडिट्स, आपने बैंक में नगद पैसा जमा कराया है, या ट्रांसफर ऑब्लिक चेक,
आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी एक एक्सेल शीट पर मेंटेन कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रांसफ़र और चेक्स होते हैं उन पर प्रिजम्पटिव रेट है 6% का, और जो कैश है इस पर प्रिजम्पटिव रेट है 8% का, तो यहाँ पर आपको दोनों में फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए, तो पहली बात हमने करी बैंक रिसीट्स की, आप देख सकते हैं। हमने बात करी यहाँ पर, हमने आपको बताया कि किसको करना है। दूसरा हमने बात करी टर्नओवर आप कैसे निकालेंगे, तो जीएसटी रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट्स, और इन दोनों को आपको अपनी बुक्स के साथ टैली करना है अगर आपने बुक्स बनाई है। आपने बुक्स अगर नहीं बनाई है तो जीएसटी रिटर्न को और अपने बैंक स्टेटमेंट्स को भी एक बार आपको टैली करना है, तब आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा टर्नओवर कम है वो बैंक, जो हमारा जो टर्नओवर है जीएसटी में वो बैंक से कम है कि ज़्यादा है। अगर बैंक के रिसीट से कम है तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। चलिए, अगली बात अब हम करते हैं, कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं। ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर क्या चीज है? ये वो डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको कंपलसरीली अपने आईटीआर 4 के अंदर देने ही देने हैं। पिछली बार तक कैश हुआ करता था केवल, अब लिस्ट बढ़ गई है। पहला आपको देना है संडी क्रेडिटर्स, आपकी माल की उधारी। संडी क्रेडिटर्स की आपको फिगर देनी है, आपको रुपीस के फिगर्स में बताना है कि हमारे कितने संडी क्रेडिटर्स हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको डिस्क्लोजर देना है वो है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री ये क्या चीज है? आपका रहतिया, अंतिम रहतिया 31/3/21 का आपको अपनी इन्वेंट्री की फिगर देनी है। फिर आपको इन्वेंट्री फिगर देनी है संडी डेटर्स। संडी डेटर्स आपके क्या हुए? ये आपके लेनदारी, आपने जो माल बेचा है उसको आपकी लेनदारी का फिगर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये भी 31/3/21 की डेट का देना है। संडी क्रेडिटर्स भी आपको 31/3/21 के देने हैं। चौथा जो और अंतिम डिस्क्लोजर है आपका वो है कैश का, कैश इन हैंड। बैंक स्टेटमेंट, बैंक के बैलेंस की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल क्रॉस है, केवल कैश इन हैंड है आपका। अंतिम कैश इन हैंड आपको डालना है जो आपकी बुक्स में निकल कर के आ रहा हो। अगर आपकी बुक्स आपने नहीं बनाई है तो भी आपको एक कच्चा बैलेंस शीट बना लेनी है। इसके नीचे मैं जरूर लिख देता हूँ, रॉ बैलेंस शीट। जब आप रॉ बैलेंस शीट बना लेंगे तो आपको ये कुछ जो फिगर्स हैं, चाहे क्रेडिटर्स के हों, चाहे इन्वेंट्री के हों, चाहे संडी डेटर्स के हों, और चाहे वो कैश हो, आपको ये रॉ बैलेंस शीट से मोटा मोटा ये सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी मोटी मोटी आईटीआर 4 की मेन डिस्क्लोजर्स की। अब आप आईटीआर 4 के अंदर और क्या क्या दिखा सकते हैं? आप सैलरी दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं, आप अदर सोर्स भी दिखा सकते हैं, और इसके अंदर जो आजकल मेन पॉइंट चल रहा है वो है डिविडेंड्स का। आप डिविडेंड्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड के बारे में और डिस्कशन देखना है तो मैंने अदर वीडियोस बना रखे हैं डिविडेंड्स के ऊपर, लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, तो आप उनको भी देख सकते हैं कि डिविडेंड्स की फिगर्स को हम कैसे निकालेंगे। आपको फिर भरना है डिडक्शंस, आपने डिडक्शंस भर दीजिएगा और आपका आईटीआर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट पर और हम डिस्कशन करेंगे, कैश रिसीट्स और अदर रिसीट्स। जबकि कैश रिसीट्स हैं उनका जो टर्नओवर, जो टैक्सेबल होना है उनको,
वो 8% के रेट से होना है। अगर आप 8% से कम दिखाना चाहते हैं तो आप ऑडिट कराएंगे। और अदर रिसीट्स में आपका क्या आएगा? अदर रिसीट्स में आपके आएंगे बैंक ट्रांसफर्स, चेक्स या अदर मोड्स। इस पर जो टैक्सेशन होना है वो 6% के रेट से होना है। तो ये आपके फायदे की बात है कि अगर आप चाहें तो कैश रिसीट और अदर रिसीट्स को भी आप बैंक से बाइफरकेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, आप जो भी फिगर्स देंगे वो जस्टिफाई होने चाहिए, वो करेक्ट ही होने चाहिए, गलत फिगर्स आप मत दीजिएगा। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा डिस्कशन था कि आपको अपने ITR 4 के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको मेरा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे टैक्स ऑफ चेंज को देखते रहिए। नमस्कार।